नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। काशी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण भारतीयों के धर्मशाला निर्माण हेतु किया भूमि पूजन। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय में डाक विभाग के कर्मियों का सम्मेलन हुआ आहूत। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकली। श्री दिगम्बर जैन समाज वाराणसी द्वारा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 2623वीं जयंती के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा का चौक स्थित श्री कन्हैया लाल गुलाल चंद सर्राफ पर संकल्प संस्था द्वारा महावीर भगवान की आरती कर पुष्प वर्षा की गई और शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के भजन का गायन किया गया, साथ ही यात्रा में शिकंजी एवं जल सेवा की गई। इस मौके पर संकल्प संस्था के संरक्षक अनिल कुमार जैन ने भगवान महावीर के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने की बात करते हुए कहा कि भगवान महावीर के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। महावीर जी का तो मानना था कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है। इस अवसर पर संकल्प संस्था के संरक्षक अनिल कुमार जैन, आलोक जैन, हर्षित जैन, भूपेंद्र जैन, विनोद जैन, हरे कृष्ण अग्रवाल सहित संस्था के अन्य सदस्य व सहयोगी उपस्थित रहे। जैन धर्म आज के प्रवर्तक से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की 2623वीं जयंती पर हम समस्त जैन धर्मावलंबियों को हार्दिक बधाई और उनका हार्दिक बधाई देते हैं। आज महावीर जैन भगवान के जन्म जयंती के अवसर पर मैदागिरी जैन मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकल रही है जो कि चांदी के रथ पर और नालकी पर निकलती है। काशी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण भारतीयों के धर्मशाला निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को वाराणसी पहुंची और दक्षिण भारतीयों की धर्मशाला का शिलान्यास किया। उन्होंने सिग्रा में श्री काशी नाट्यकोटी क्षेत्रम सोसायटी द्वारा बनाए जा रहे 135 कमरों की 10 मंजिल की धर्मशाला की नींव रखी और बताया कि इससे काशी आने वाले पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस धर्मशाला का निर्माण 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। इस पर 40 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यहां ठहरने वालों को कोई किराया नहीं देना होगा, श्रद्धालु अपनी इच्छानुसार दान दे सकेंगे। पिछले 200 वर्षों से श्री काशी नाटकोटी क्षेत्रम सोसायटी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तीनों पहर की आरती की जिम्मेदारी संभाल रही है। हाँ, एक बार मैम से साइड हो जाइए।
मैडम हाथ पीछे कर दो। वो है तो एक पीछे कर लो। सर किस तरह का प्रोग्राम था, कौन चीफ गेस्ट आया था और क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर बनने वाला? गुड आफ्टरनून टू ऑल मीडिया पीपल एंड पीपल ऑफ वाराणसी। वी श्री काशी नाटकोटे नगर छत्रम मैनेजिंग सोसाइटी कॉल्ड नाटकोट क्षेत्रम इज देयर फॉर द पास्ट 250 इयर्स इन वाराणसी। We have been doing lots of Lord Vishwanath's temples, dedicated work, and the people of southern India, they come here regularly to pray God, Lord Vishwanath, and Sri Vishalakshi and Annapurna Mata. And we have been giving them accommodation for the past 250 years for free of cost, and the food is also given free of cost, and nominal charges are charged like 70 rupees, 100 rupees for staying and food accommodation. This place today is an auspicious and historic day. This place was purchased in the year 1894 for rupees 5,500 rupees for cultivating flowers and vilpatra. From here, flowers were cultivated, they were made as a garland, and vilpatra leaves were taken to Lord Vishwanath for the past 250 years. Now, this property was occupied illegally for about 50 years from so many other people. That property was retrieved by this able governance of Yogi Adityanath ji 2 years back. Now this land is totally free of any encumbrances. Today we have laid the foundation stone for building up a dharmashala of 10-storied building with 135 rooms. With a budget of 50 crores. नमन देता हूँ और इस विषय में जानकारी आपके द्वारा थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ जो मौजूद है, तमिलनाडु में 76 ऐसे गांव में रहने वाले कम्युनिटी जिनका लार्जर नाम नाटुकोट्टई है, नगरतार बोलते हैं या नगरतार क्षेत्रियार बोलते हैं। ऐसे एक कम्युनिटी है जो बिजनेस में, व्यापार में ज्यादातर रुचि लेते हैं और आज नहीं शायद 2000 साल से व्यापार में प्रसिद्ध लोग इस कम्युनिटी से आए हैं। और क्योंकि 2000 साल मैं बोल रही हूं, आप बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये 2 साल कहां से निकला, आप डेटा के साथ बोलोगे क्या? मैं आपको विषय बोलना चाहती हूँ। आप दक्षिण मतलब साउथ ईस्ट एशिया के ओर जाइए, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ऐसे कंट्रीज के यहां जाइए, वहां आज भी इस कम्युनिटी जब उधर रहते थे और बड़े संख्या पर बिजनेस करते थे, उनके मकान जो आप दक्षिण भारत में कारेकुड़ी के इर्द गिर्द देखेंगे,
उसी शान शोक के मकान आज भी उधर है। मैं उदाहरण के नाते मैं बोल रही हूं, जब मैं वित्त कॉमर्स के मंत्री थी, वाणिज्य मंत्री थी, एक समय गई थी वियतनाम और उसके बाद गई थी कंबोडिया वगैरह, उधर भी यही है विषय। और कंबोडिया के वियतनाम के मंत्री मेरे साथ बैठे थे और बोले, हाथ ऐसे गाड़ी से शीशे की ओर दिखाते हुए, ये मकान सब आपके हैं, भारतवासी के हैं। और बोले, हाँ उस समय वियतनाम वॉर के अंतिम चरणों में ये कम्युनिटी इधर से निकल गए, मगर उनके मकान और उनके बिल्डिंग्स, रहने वाले मकान के अलावा बिजनेस के मकान, बिजनेस की बिल्डिंग्स जो है, वो सब आज भी ऐसे के ऐसे ही मेंटेन है। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय में डाक विभाग के कर्मियों का सम्मेलन आहूत हुआ। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ में डाक विभाग के कर्मचारियों का एक ऐतिहासिक सम्मेलन आहूत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा रहे। इनके साथ ही विधायक नीलकंठ तिवारी, बीएमएस के राष्ट्रीय संयोजक संतोष सिंह, जनरल सेक्रेटरी ग्रुप सी अनंत कुमार पाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संयोजन रामरतन पांडे ने किया। इस कार्यक्रम में वाराणसी पूर्व मंडल से लगभग 300 से ज्यादा सदस्यों के अलावा गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज से भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित हुए। वक्ताओं ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य डाक विभाग के अलग अलग संगठनों में बांटे गए डाक सहायक संवर्ग, पोस्टमैन एवं एमटीएस संवर्ग, ग्रामीण डाक सेवक संवर्ग इत्यादि को एकजुट कर मजबूती प्रदान करना है। जी, आज के सम्मेलन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इन कार्यकर्ताओं? आज का सम्मेलन का मैं आप सबसे पहले टीवी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, न्यूज को। अब आज का सम्मेलन ये डाक विभाग का सम्मेलन है, इसमें कर्मचारी यूनियन है अपने हक अधिकार के लिए सुव्यवस्थित करने के लिए जो इन लोगों ने सम्मेलन किए हैं, इसके लिए यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उनके महामंत्री, उप संगठन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये जो डाक विभाग है, बहुत ही संचार विभाग का बहुत ही अच्छा काम है, इसमें भी अब डिजिटल होने हो रहा है, तो ये भी अच्छा है। सरकार की तरफ से मैं इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि जो भी आपको जिम्मेवारी मिले उसको बखूबी ईमानदारी से निभाएं, यही हमारी शुभकामना। इस भारतीय डाक कर्मचारी संघ के सम्मेलन का संयोजक हूँ। ये भारतीय डाक कर्मचारी संघ का पूर्वांचल क्या आधे उत्तर प्रदेश का एक सम्मेलन है। और वह सम्मेलन यह है कि डाक विभाग में कई संगठन हैं और ये हमारा एकमात्र राष्ट्रवादी संगठन है जिसमें करीब पूर्वांचल से 1000 लोग आज भारतीय डाक कर्मचारी संघ की सदस्यता बड़े हमारे शीर्ष नेताओं के समक्ष उन्होंने दिया। इस कार्यक्रम से संदेश यही देना है कि पूरा देश राष्ट्रवाद के साथ है और राष्ट्रवाद। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर में शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर नेवादा सुंदरपुर में विगत दिनों नवस्थापित ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें संचालक जय सिंह, अमित श्रीवास्तव, राजेश शर्मा और रजनीश की देखरेख में पहले ब्लड ग्रुप की जांच, पुनः हीमोग्लोबिन की जांच के बाद रक्तदान हेतु योग्य पाए जाने पर ही रक्तदान किए जाने की स्वीकृति मिलने के बाद ही रक्तदाता का रक्त स्वीकार किया गया। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने इस अवसर पर रक्तदान और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर बल दिया। साथ ही ये उद्गार भी व्यक्त किया कि रक्तदान महादान है, लोक कल्याण के लिए ये जरूरी है। इसी का संदेश देते हुए स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, रक्त कार्ड, फल का जूस इत्यादि प्रदान किया गया।
रक्तदान करने वालों में गढ़वाघाट से हवलदार यादव, प्रशांत उपाध्याय, शानू श्रीवास्तव, सुभाष यादव, नजमा अंसारी, दशमी प्रसाद तथा बनपुरवा से अमित कुमार, पवन पटेल, मनोरमा यादव, आलोक पाठक प्रमुख थे। इस अवसर पर प्रधानाचार्यगण चंद्रशेखर सिंह, डॉ अजय कुमार चौबे, एपीएन सिन्हा, अशोक यादव, कालिका यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। रक्तदान महादान है, लोक कल्याण के लिए यह जरूरी है। इसी का संदेश देते हुए स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हॉस्पिटल के प्रशिक्षित टीम जांच करने के उपरांत रक्तदान सुनिश्चित कर रही है। आप सभी से मेरी अपील है, रक्तदान और मतदान अवश्य करें। के लिए आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। षष्ठ गृहाधिपति मुरलीधर लालजी महाराज के प्राकट्य महोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। षष्ठ गृहाधिपति मुरलीधर लालजी महाराज श्री का 120वां प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो चौखंबा जौहरी बाजार होते हुए ग्वालदा साहूलेन से पुनः मंदिर में प्रवेश की। इस अवसर पर शहनाई और ढोल की धुन से पूरा वातावरण गूंज उठा। समाज के सभी सदस्य पारंपरिक परिधान में मौजूद रहे। वहीं प्रभु की सुसज्जित पालकी भक्त अपने कंधे पर लिए भजन कीर्तन करते जयकारा लगाते चल रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान परिवार संग गंगा आरती में शामिल हुए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में परिवार जनों के साथ शामिल हुए। चिराग पासवान के साथ उनकी माता भी मौजूद थीं। चिराग पासवान समेत अन्य पारिवारिक सदस्यों ने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया व मां भगवती से चिराग पासवान ने पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रार्थना की। मां भगवती के आरती का दर्शन कर चिराग पासवान समेत सभी लोग मंत्रमुग्ध नजर आए। कभी वीडियो बनाते तो कभी तस्वीरें लेते दिखे। चिराग पासवान इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, संरक्षक इंदुशेखर शर्मा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंगवस्त्रम, मेमेंटो व प्रसाद देकर सभी का स्वागत किया गया। गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि गंगा आरती का हिस्सा बनना एक पूर्ण दिव्य अनुभव है। मैं अपने परिवार के साथ यहां आया हूं। आरती में शामिल होकर बहुत आशीर्वाद महसूस हो रहा है। लगभग एक घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर चिराग पासवान मौजूद रहे। मां गंगा की आरती के बाद उन्होंने नौका विहार भी किया।
आप जिस स्थान पे बैठे थे उस स्थान का नाम हम लोगों ने मोदी मणि रखी है जब से प्रधानमंत्री आए थे। इसके बाद बड़ी बाजार स्थित आस्ताने पर गाजी मियां की लग्न हल्दी की रस्म निभाई गई। रविवार को हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्ला अलैह गाजी मियां बाबा का लग्न हल्दी की रस्म बड़ी बाजार में आस्ताने पर मनाई गई। तमाम जायरीन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हिंदुस्तान में मशहूर हैं कि आज दरगाह कमेटी के गद्दी नशीन सेक्रेटरी हाजी एजाजुद्दीन हाशमी की देखरेख में बाबा गाजी मियां का लग्न व हल्दी की रस्म रखी गई, जिसमें कमेटी के सदर हाजी सिराजुद्दीन अहमद नियाजुद्दीन हाशमी अब्दुल्ला हाशमी सहित अकीदत के साथ लोग शामिल हुए। लग रहा था वो बात नहीं है, बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लगा सकते हैं। हरी साहब, ये आज गाजी मियां किस लिए हल्दी रस्म है, क्या इसकी महत्व रहती है और हिंदू मुसलमान देते क्या महत्व रहती है इसके अंदर? गाजी मियां का लग्न लगने के बाद जितने भी शुभ कार्य शुरू होते हैं आज से वो चालू हो जाएंगे। हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर आज हल्दी और चंदन का रस्म रखा गया है। आज से मेले की शुरुआत हो गई है और ये कार्यक्रम सवा महीने तक चलेगा और मेन मेला 2 जून को है। ये आज हल्दी की क्या महत्व रहती है कि लोग हिंदू मुसलमान हल्दी लगा रहे हैं? हल्दी का ये महत्व है कि ये बाबा का शुभ मुहूर्त में ये सारे कार्य संपादित होते हैं, तो हिंदू मुस्लिम दोनों लोग इनको बहुत मानने वाले अकीदतमंद लोग हैं जिनको हल्दी से यहाँ से बहुत मुराद हासिल होती है। किस तरह मुराद हासिल होती है? वो तो जो भी यहाँ पर आकर के अपनी बात कहते हैं बाबा उन सभी चीज़ों को पूरा करते हैं। कितने की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ से आते हैं? हजार की संख्या में लोग आते हैं और ये बनारस का पहला लखा मेला है जो मेले में लाखों लाख की संख्या उमड़ती है यहाँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। काशी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण भारतीयों के धर्मशाला निर्माण हेतु किया भूमि पूजन। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय में डाक विभाग के कर्मियों का सम्मेलन हुआ आहूत। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।